जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, काफ़ी कमेंट आते हैं प्रेमी भक्तों कि नाम जप में मन कैसे लगे या राम नाम में मन कैसे लगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भक्तों। देखो, बहुत से साधक ऐसे हैं जो नाम जप करना चाहते हैं लेकिन उनका मन नाम में लगता नहीं है, तो ये नाम में मन कैसे लगेगा। क्योंकि एक तो होता है किसी काम को ज़बरदस्ती करना और एक होता मन से करना। जब कोई भी काम मन से किया जाता है, ये तो स्वाभाविक बात है कि उसका फल तो जल्दी मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, इतना तो आप जानते ही हो। लेकिन शुरुआत में मन तो लगता नहीं है, तो क्या करें, कैसे लगेगा मन। प्यारे भक्तों, इस मन को आदत डालनी पड़ेगी। अभी हमने क्या आदत डाल रखी है, अभी हमने आदत डाल रखी है इसे खुला छोड़ रखा है। ये जहाँ जाता है उसे जाने देते हैं, ये जो करता है उसे करने देते हैं। तो इसको जितनी आज़ादी दे रखी है, जितनी स्वतंत्रता दे रखी है, ये उतना ही बिगड़ता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अगर स्वतंत्रता दे देता है तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कोई एक आधा बिरला ही बच्चा होता है जो स्वतंत्रता का जायज़ लाभ उठाता है, अन्यथा नाजायज ज़्यादा उठाते हैं और वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं। ये मन हमारा उन बच्चों से कई गुना चंचल है और ये इतना चंचल है कि इसे इसी जन्म की नहीं पता नहीं कितने जन्मों से गलत काम करने की, बुरे काम करने की, गलत विचारों की आदत पड़ी हुई है। तो इस आदत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदत डाली जाती है और ये हम खुद ही करते हैं ये कार्य, तो हमें इस मन को समझाना पड़ेगा। समझाओगे कैसे, देखो जो भी नए साधक हैं आप शुरुआत करो चलने की, ये सुधरेगा, निश्चित ही सुधरेगा। और ये ऐसा सुधरेगा कि आप इसको हटाना चाहोगे ना नाम से, तो ये हटने का नाम नहीं लेगा। जैसे अभी ये संसार के विषयों से हटने का नाम नहीं लेता, ऐसे ही फिर ये राम नाम से हटने का नाम नहीं लेगा। लेकिन इसे समझाओ, समझाएगा कौन, समझाएगा स्वयं राम का नाम। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल शुरुआती जो साधक हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो श्रवण करें, क्योंकि श्रवण ही पहली भक्ति है। कहीं से भी सुनने को मिल जाए, YouTube से, सोशल मीडिया से और किसी के प्रवचन, आप श्रवण करो। जब श्रवण करोगे आपके अंदर वो नाम जाने लगेगा तो फिर आपकी वाणी पे आएगा। फिर वाणी से बोलो जितना ज़्यादा बोल सकते हो, या फिर श्रवण के साथ साथ ही वाणी से बोलो। पहले वाणी से नाम को पकड़ो, जब वाणी नाम को पकड़ लेगी पूरी तरह से, फिर मन से नाम को बोलो। फिर जब नाम को मन पकड़ लेगा ना, मन मन में पूरी तरह से ये नाम लिप्त हो जाएगा, उस दिन तो समझो प्यारे भक्तों जैसे जोंक चिपट जाती है ना। जोंक देखा आपने, गांव में जोड़ वगैरह में भैंस पानी में जाती है तो जोंक चिपट जाती है भैंस के, और उस जोंक को जब छुटाते हैं ना तो वो जोंक छुटाने से छूटती नहीं है, उसको बड़ी ताकत लगा के खींचना पड़ता है और वो जोंक टूट जाती है लेकिन छूटती नहीं है। ऐसे ही जब तुम नाम को छुड़ाना चाहोगे ना, मन को नाम से छुड़ाना चाहोगे तो छूटेगा नहीं, इसको ज़बरदस्ती भी करने से भी नहीं छूट सकता। ये जिस प्रकार भक्त प्रहलाद नाम का जप करता था, उसके ऊपर अनेकों अत्याचार किए गए, मीराबाई के ऊपर अनेकों अत्याचार किए गए, क्योंकि भगत और जगत का बैर होता है। जो सच्चा भगत होता है ना, उसके साथ पूरा जगत बैर करता है प्यारे भक्तों, घर वाले भी करते। तो आप इस बात से बिल्कुल ना डरे, उन्हें पता ही नहीं है, वो अंधकार में जी रहे हैं। तो प्रहलाद ने उन नाम को छोड़ा नहीं, उसकी माँ ने यहाँ तक कह दिया था, बेटा इस नाम को तू छोड़ दे, तेरे पिताजी कितने अत्याचार करते हैं। तो प्रहलाद ने कहा, माँ मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ परंतु ये छूटता ही नहीं, मैं करूँ क्या। ये मुझे कहता जपो जपो जपो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर घुल चुका है
और जब घुल जाता है, समा जाता है, तो चाहने के बाद भी वो छूट नहीं सकता प्रेमी भक्तों। और शुरुआत में आप नाम जप करने लगो, मन में गंदे विचार आते हैं, मन नहीं लगता, तो इसे पहले प्यार से समझाओ कि हे मन, तू क्यों विष का पान करता है? ये संसार के जो भोग हैं, ये विष के लड्डू हैं, विष के लड्डू। अमृत का पान कर जो तुझे सदा सदा के लिए अमर कर देगा। जब भी गंदे विचार आए, जब भी ऐसे बोलो, प्यार से मान जाए तो ठीक है, पहले प्यार का हथियार अपनाओ। प्यार से ना मानो, मार से मनाओ। मार का मतलब है जबरदस्ती, जबरदस्ती लगाओ मन को। थोड़े से दिन जबरदस्ती कर ली तो फिर तो इसको लगना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।